सर मुद्दा ये है कि जिथे पावरकॉम ते पंजाब सरकार कह रही है कि सानू फंड दी प्रॉब्लम हैगी, ते हुण पावरकॉम ने रेगुलेटरी कमीशन नू रिसेंटली लिखा कि असी बिजली दे दर जिहड़े हैगे 17% वधाना चाहते हाँ, तो उस तो पता चल रहा है कि फंड्स की किन्नी किल्लत है। पर उहदे विपरीत आ जो मैं रिकॉर्ड लैके बैठा, इन्होंने चुपचाप 56 लाख रुपए अपने कुछ क्लर्क नू रिलीज़ करते, जो कि बिल्कुल इलीगल सीगे। ऑन रिकॉर्ड पड़ताला चलियां, विजिलेंस ब्यूरो दे हुक्म आए कि पैसा रिलीज़ नहीं करना, पड़ताल करो कि पहली रकम किदां रिलीज़ हुई है। विजिलेंस ब्यूरो दे 10 तो उत्ते हुक्म आने के बावजूद उन्होंने हुक्मों नू ताक ते रखते हुए इन्होंने पैसा रिलीज़ किया, ते अज तक इन्हां कोल जवाब नहीं है कि क्यों किया गया, किवें किया गया, ते ना ही इहदी कोई पड़ताल की गई है, ते सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है जी। की है कि इदा पड़ताल सर मैटर सीगा कि 1997 रोड जगीर च एक क्लर्क ते एक रेवेन्यू अकाउंटेंट नू रंगे हाथ रिश्वत लेंदे फड़िया सी। कुछ बिलां दी रकम दी हेराफेरी जिहड़ी इन्होंने लैजरां च कीतियां सी, इह रंगे हाथ फड़े गए सी करप्शन दे केस च, पैसे लेंदे होए रकम चेंज करन लई। उस तो बाद विजिलेंस ब्यूरो पटियाला ने इन्हां नू फड़िया, ते ट्रायल कोर्ट ते हाई कोर्ट ने इन्हां नू सज़ा देती। इस दौरान जिहड़े गवाह सी ओह मुकर गए, ते जिहड़ा मुख आरोपी सी ओहदी मौत हो गई। तकनीकी कारणां करके जिहड़ा क्लर्क सीगा उहनूं सुप्रीम कोर्ट ने बची हुई सज़ा माफ़ करके बरी करता, सबूतां दी घाट होण करके ते तकनीकी कारणां करके। पर सुप्रीम कोर्ट ने किते वी इह नहीं लिखिया कि इहनां नूं पिछले इहनां दे सारे फंड दिओ। उहदे बावजूद जद इह बहाल होए, इहनां ने एक झूठा एफिडेविट क्लर्क ने पावरकॉम नूं दित्ता कि मैं पिछले 13 साल च कोई नौकरी नहीं कीती जी, मैनू मेरे सारे फंड दित्ते जाण। वह एफिडेविट झूठा सी, इस बारे भी पावरकॉम को सबूत आ गए सी कि ये बर्खास्तगी दौरान कई बीमा कंपनियां च बैंक च काम करता रहा, तो उस बहाल होने तो बाद भी कर रहा सी लगातार। सारे सबूत ऑन रिकॉर्ड होने के बावजूद ये झूठिया रिपोर्टा बनाते रहे कि शिकायतकर्ता साढ़े को पेश नहीं हो रहा, साढ़े को सबूत नहीं है, सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड सी। जब ये सारा फैक्ट ऑन रिकॉर्ड में प्लेस किया, तो उस तो बाद पावरकॉम ने अपनी स्टेटमेंट बदलती कि क्लर्क की याददाश्त हो गई है, इनू कुछ भी याद नहीं, ये किवें इन्हें लसेंस ले सी। उन्हें एक लिखती बयान देता जी कि मेरी याददाश्त हो गई, मैनू कुछ भी याद नहीं है पिछले 13 साल च की होया सी। ते दूजे पासे एक पासे कहने मेडिकली अनफिट है, दूजे पासे उसे क्लर्क नू रिटायरमेंट तो बाद दोबारा बहाल करन लई कॉन्ट्रैक्ट ते इन्हां ने ऑर्डर भी पास करते सी। पर पंजाब सरकार दे जद हुक्म आए कि इस ते बनदी कार्रवाई होवे, उन्हूं बहाल नहीं किया गया। तो जब मैं सबूत पेश किए उहदी इनकम टैक्स रिटर्न्स ते बैंक अकाउंट दियां, अज तक 56 लाख चो सिर्फ 4 लाख रुपया 374,000 रुपया रिकवर किया गया, बाकी सारी रिकवरी पेंडिंग है। इस मामले की जाँच DGP साहब के हुक्मों नाल लोकल मुकामी पुलिस ने की जी। पुलिस तो बहुत ज़्यादा दबा रहा, उन्होंने पूरी पड़ताल मुकम्मल करके FIR करन दे ऑर्डर भी जारी किए जी। वो सारी रिपोर्ट मैं नाल लैके आया, कोतवाली वालों FIR करन दे ऑर्डर दर्ज होए June 2019। 3 महीने बाद SSP दफ्तर तो हुक्म जारी किए गए कि इस केस नू किसी भी तरह दाखिल दफ्तर करो, ये लिखो कि पावरकॉम ने सानू नहीं किया केस दर्ज करने लिए, पावरकॉम नू कोई शिकायत नहीं, पैसे का घपला होया तो इस बंदे नू क्यों है। तो मैं डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रबोध कुमार जी नू भी मिल के आया, मैं उन्होंने दसिया कि ये पब्लिक का पैसा है, इस कोई भी शिकायत कर सकता, कोई भी यहोजा क्रिमिनल लॉ नहीं है, तो फ्रॉड के केस कोई भी शिकायत कर सकता, तुसी ये अपनी रकम रिकवर करो सरकार का जो लॉस होया। तो उन्होंने IG तो स्टेटस मंगया 15 दिन IG साहब पटियाला तो, उस हमने की कर रहे हैं मैनू नहीं पता। पर पुलिस ने 8 महीने पड़ताल की, 740 सफ़ों की मिसल बनी है, केस दर्ज होने के हुक्म हुए हैं, पर एक किस तरह मैनेज कर रहे हैं बचन लई, अफसर किदा इनवॉल्व है, ये तो जब केस दर्ज होकर तफ्तीश होएगी तो ही चीज़ा सामने आ गई। लेके चलो बंदे मिले हुए हैं सर, इस दो तरह दड़ताल हुई हैं। मुकामी पुलिस ने पड़ताल की है जी रिटायर्ड क्लर्क त्रिलोक चंद के खिलाफ। विजिलेंस ब्यूरो हेडक्वार्टर तो हुक्म आए सी, उहदे तहत SSP पटियाला ने पड़ताल की है सीनियर अफसरों की इनवॉल्वमेंट की। इन्होंने अपनी कुछ खुफिया रिपोर्टा बना के भेजिया विजिलेंस ब्यूरो नूं। मैं RTI पूछा की बनिया, तो वह कहें कि SSP वालों की पड़ताल जे कुछ कमियाँ असी उस सोध करा के मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। यह मतलब वो अपने रिकॉर्ड च मान रहे हैं कि पड़ताल सही नहीं हुई, कितने बचाने की कोशिश की है, क्योंकि SSP विजिलेंस ब्यूरो मिस्टर सिद्धू नूं मैं कई बार मिलिया कि सर मेरे केस का की बन रहा है, वो कहें जी असी इन्हों कई परवाने कढ चुके, सानू रिकॉर्ड नहीं दे रहे। विजिलेंस ब्यूरो की किन्नी क रिस्पैक्ट है PSPCL च, ये कागज़ बोलते हैं।
इन्हां दे 15 हुक्म होने तो बाद भी मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं दिता गया ते जेड़ा भी रिकॉर्ड पावरकॉम दे विरुद्ध जांदा सी ओह गायब कर दिता गया। ये लिखती च पावरकॉम ने देता कि यह रिकॉर्ड साडे कोल नहीं है, जबकि वो रिकॉर्ड की कॉपी मेरे को तस्दीकशुदा कॉपियां पई हैं। CMD साहब परसनली इस केस च एक्शन करना चाहते सी पर जेड़े अफसर इनवॉल्व है वो SDO रैंक तो उत्ते हैं ते उस रैंक ते एक्शन करन लई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ते होल टाइम डायरेक्टर की परमिशन चाहिदी हुंदी है। तां CMD साहब एक अजे तकनीकी ताने बाने च बुने होए हैं, वो अपने सामने सारा कुछ हुंदे देख के भी कुछ नहीं कर सकते। इंस्पैक्टर प्रितपाल सिंह है इत्थे बड़े सीनियर, मैं उन्होंने मिलिया, उही पड़ताल कर रहे सी। वो कहिंदे कि ये केस दर्ज होना बनता सी क्योंकि असी 3 परवाने भेजे, सानू कोई जवाब नहीं दे रहे, पुलिस का प्रोसीजर है 3 परवानों तो बाद केस दर्ज करन दा, पर साडे ते कुछ अजिहा प्रैशर आ रहा कि सानू अगे वधन नहीं दिता जा रहा। वो कहिंदे जे तुसीं DGP दफ्तर तो सानू ग्रीन सिग्नल दवा दो असी केस दर्ज कर देंगे। हुण सर ये मेरा काम नहीं है कि मैं DGP दफ्तर जाके क्लीयरेंस करावा, मैं सबूत दिता, जो मैं इल्जाम लगाए वो साबित होए, अगे कार्रवाई करना पुलिस का काम है, मेरी इस तो अगे नहीं चलती। मैं कोर्ट च कंप्लेंट इसलिए नहीं पा रहा बिकॉज होया ये है कि मैं RTI च फाइल इंस्पैक्शन मंगी जिस च मैं कुछ अजे रिकॉर्ड देखे कि अफसर ने एक दूजे ते इल्ज़ाम लगाए हुए हैं पैसे रिलीज़ करन दे, ते सीनियर अफसर ने एक दूजे के खिलाफ ही पड़तालां कीतियां हुई और रिपोर्टा लगिया हुई हैं, पर उदी कोई फलसफा नहीं निकलिया, कोई कंक्लूसिव फाइनल रिपोर्ट नहीं बनी, वो केस नूं विच ही रोक दिता गया। वो जड़े कागज़ हैं वो साबित करते हैं कि इन्होंने किवें सारा मैनेज किया, वो मैनू RTI च नहीं दिते जा रहे। मैनू ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं जी, मेरे तो इन्होंने फीस भी ले ली, फीस लैन के बावजूद पूरे कागज़ नहीं दिते, सारा रिकॉर्ड 5 दफ्तरों च फैला दिता गया, मैनू हले तक सिर्फ 1 दफ्तर का रिकॉर्ड मिले, बाकी रिकॉर्ड मैं अपील पाई हुई है, अपील च कोई कॉस्ट नहीं होंगी, मैनू कहिंदे तुसीं अपील च कॉस्ट दिओ, पहला इत्थे रोकया गया मैनू, मैं कॉस्ट दिती तां वी मैं देखिया कि मैनू रिकॉर्ड अधूरा दिता गया, तां हले भी वह प्रोसैस जारी है, जब तक वो रिकॉर्ड मेरे हाथ नहीं लगता कोर्ट च केस सक्सैसफुल नहीं होएगा। पर रिटायरमेंट तो बाद चुपचाप इन्होंने किस्तों च पैसा रिलीज़ करता 1972 दे सर्विस रूल्स के तहत, जबकि पंजाब सरकार ने 1987 ते 1988 च नोटिफिकेशन कढ़ के उस रूलिंग नू रद्द कर दिता है। ये चीज़ मैं लिख के भी दिती पर उन्हों नज़रअंदाज, जिन्हें भी फैक्ट्स लिख के दिते उन्हों नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि उस क्लीयरली लिखा है कि जे एक सरकारी मुलाजम ते FIR दर्ज हो जाती है वह जेल जाता है या फड़िया जाता है पुलिस वालों, दौराने तफ्तीश जो निर्दोष पाया जाता है तां उसते केस नहीं चलता कोर्ट केस, तां उहदे सारे फंड रिलीज़ होने बनते हैं, पर जिहड़े बंदे दी कन्विक्शन होगी या जिसते ट्रायल चलिया है ते साबित हो गई चीज़ा, तो उस तो बाद 1988 दे रूल्स दे तहत उन्हें कोई पिछला फंड देना नहीं बनता क्योंकि उन्हें सरकार लई कम ही नहीं किया। तो हुण SSP साहब पटियाला मैनू कह रहे हैं अपनी रिपोर्ट च कि पावरकॉम वालों कोई शिकायत नहीं आई, पावरकॉम क्यों शिकायत करेगा जी, अपने गले च फांसी का फंदा कौन पाता है।